मेन डिक्टेशन स्टार्ट। इन दिनों कबूतरों को अपनी बालकनी में जल क्रीड़ा करते हुए देखता हूँ तो उन्हें देखकर बहुत आनंद आता है। विराम, जो जल पात्र उनके जल पीने के लिए भरा जाता है उससे वे पानी भी पीते हैं और फिर उसी में डुबकी लगाने के लिए उतर भी जाते हैं। विराम, पंख फड़फड़ाते हैं तो पानी की कुछ बूंदें उछलती भी हैं। विराम, दिन में कई बार देखे जाने वाले या सहसा दिख जाने वाले इस तरह के दृश्य के कई रूप हैं। विराम, कभी कभी जलपात्र आधा हो जाता है तो कोई कबूतर उसमें अपनी गर्दन झुकाकर पानी पीता है और जल क्रीड़ा में नहीं अपनी प्यास बुझाने में उसमें इतना डूब सा जाता है कि उसकी तस्वीर खींच ली जाए तो भी वह उसके खींचे जाने का प्रतिरोध करता हुआ फर से उड़ न जाए। विराम, कभी कभी तीन चार कबूतर उस जल पात्र के इर्द गिर्द चक्कर लगाते हुए मिलते हैं जब वह खाली हो जाता है। विराम, इस उम्मीद में कि वह फिर भर दिया जाएगा। विराम, पैरा, गर्मी में आमतौर पर भी प्रतिवर्ष इन दृश्यों पर गौर करता रहा हूँ। विराम, उन्हें देखकर आनंद उठाता रहा हूँ पर कोरोना की अवधि में पशु पक्षियों वनस्पतियों फल फूलों से जुड़े हुए प्रसंग कुछ अतिरिक्त आनंद देते हैं। विराम, यह बहुतों का अनुभव है कि इस अवधि ने हमें चीज़ों को कुछ गौर से देखने की दृष्टि दी है। विराम, साथ ही अपने आसपास से अपने संबंध को मर्म भरे ढंग से समझाया है। विराम, यह तो समझाया ही है कि सब कुछ अनित्य है, प्रकृति ही नित्य है। विराम, बहरहाल यह ठीक ही माना जाता रहा है कि पानी की प्यास किसी और तरह से बुझती नहीं है। विराम, उसके सौंदर्य का भी कोई विकल्प नहीं है। विराम, जल बूंद को देखना, लहरों को देखना, जल राशि को देखना हमेशा अपूर्व ही तो होता है। विराम, यह सिर्फ मनुष्यों के साथ ही नहीं होता है। विराम, पशु पक्षियों को भी पानी का मर्म पता है। विराम, वह चातक को पता है, मोर को पता है, हाथी को पता है। विराम, कभी बच्चों के लिए एक कविता लिखी थी धमक धमक। विराम, इसकी पंक्तियां बड़े सहज भाव से उतरती चली आई थी कागज पर। विराम, उनमें से दो हैं, जब पानी में जाता हाथी भर भर सूंड नहाता हाथी। विराम, हाँ देखा है हाथी को पानी में जाते और उसमें नहाते। विराम, बहुत देखा है अपने बचपन के गांव में किसी जलाशय में पोखर तालाब में तरह तरह के पशु पक्षियों को पानी पीते। विराम, पैरा, यह भी अकारण ही नहीं है कि हमारे देश के विभिन्न अंचलों में घड़ों सुधाइयों मटकों को ग्रीष्म से जुड़ी हुई अनिवार्य चीज माना जाता रहा है। विराम, वे आराम करने वाले सोने वाले बिस्तरों चारपाइयों के आसपास रखे जाते रहे हैं। विराम, आज भी रखे जाते हैं और अब फ्रिज में रखी हुई पानी की बोतलें शरीर में कैसे ठंडक पहुंचाती हैं। विराम, पानी हो साफ सुथरा हो निर्मल हो इसकी चेष्टा मनुष्य करता आया है। विराम, उसे छानकर पीने तक की बात सोची गई है उसका असली स्वाद पाने के लिए। विराम, हम जानते हैं कि अब उसे छानकर पीने की यंत्र में विधियां भी उपलब्ध हैं और मिनरल वाटर तो
अब एक बहुत बड़ा व्यवसाय भी बन चुका है विराम पैरा। हमारे बचपन में कुएं अब नहीं रहे विराम, वे पुर दिए गए हैं विराम। तमाम तालाब भी विराम, एक जमाने में दोनों हथेलियों को जोड़कर पानी पिया जाता रहा है विराम। गिलास नए होने की शिकायत नहीं की जाती थी विराम, और बहुतों को उसी तरह पीना अच्छा लगता था विराम। वह मुद्रा पानी प्रार्थना जैसी होती थी, और कुल्लड़ में तो माटी के स्वाद के साथ मिलकर पानी का स्वाद बहुतों को यों भी मीठा लगता है विराम। लगता रहा है विराम पैरा, पानी है तो फसलें हैं, फल फूल हैं, सब्जियां हैं विराम। पानी है तो जीवन है, जीवन के मानी हैं विराम। कवि रघुवीर सहाय ने लिखा है, बच्चा बच्चा हिंदुस्तानी मांग रहा है पानी पानी। हमको पानी नहीं दिया तो हमको मानी नहीं दिया। और अपनी एक और कविता में पानी का कितना सुंदर गुणगान किया है, पानी का स्वरूप ही शीतल है विराम। बाग में नल से फूटती उजली विपुल धार कल कल करता हुआ दूर दूर तक जल हरी में सींचता है, मिट्टी में रसता है। देखे से ताप हरता है मन का, दुख विनसता है विराम पैरा। पानी केवल नहाने कपड़े धोने फसल सींचने की ही चीज नहीं है विराम। वह तो देखने से ही ताल्लुक रखता है विराम। उसका होना एक बड़ा भरोसा है विराम, बड़ा आश्वासन है विराम। हमने उसे बहुत बर्बाद किया है विराम। आज की प्यास बुझा ली है, कल की प्यास के बारे में अक्सर नहीं सोचा है कि उसे कौन बुझाएगा और वह कैसे बुझेगी विराम। इधर उसके संरक्षण के बारे में सोच विचार कुछ तेज हुआ है विराम। पानी बचाने की विधियां इजाद हुई हैं विराम, उसके भंडारण के कुछ प्रबंध हुए हैं विराम। इन सबकी गति और तेज होनी ही चाहिए विराम, लेकिन संरक्षण के समांतर प्रकृति का यह उपहार आज मुनाफे का कारोबार बन चुका है विराम। क्या पानी इसी तरह बचेगा? क्या हम इसे बचा पाने में सक्षम नहीं हैं? सचमुच जल है तो जीवन है विराम, मछली जल की रानी है, जीवन उसका पानी है। यह उक्ति जितना बड़ा सच मछली के लिए है उतना ही बड़ा सच अन्य जीव जंतुओं के लिए भी है, हम मनुष्यों समेत विराम पैरा। खाद्य सुरक्षा और पोषण के लिए सतत खाद्य प्रणाली के उद्देश्य के साथ इस साल हम विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस मना रहे हैं, लेकिन मंजिल अब भी दूर ही नजर आ रही है विराम। विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस को मनाने का उद्देश्य सुरक्षित खाद्य मानकों को बनाए रखने के लिए जागरूकता पैदा करना और खाद्य जनित बीमारियों के कारण होने वाली मौतों को कम करना है विराम। मालूम हो कि दुनिया के हर देश में भुखमरी की समस्या है विराम, एक तरफ गरीबों को भूखा रहना पड़ता है विराम, वहीं संपन्न लोग एक दिन में कई किलो भोजन बर्बाद कर देते हैं विराम। संयुक्त राष्ट्र द्वारा जारी फूड वेस्ट इंडेक्स रिपोर्ट 2021 के अनुसार दुनिया भर में हर साल 17% खाद्य उत्पादन बर्बाद हो जाता है विराम, यह करीब 1.06 अरब टन होता है विराम। इसके 61% खाद्यान्न घरों से 26% खुदरा क्षेत्र से बर्बाद होता है विराम। एक तरफ करोड़ों लोग कुपोषण के शिकार हैं, वहीं रोज लाखों टन भोजन की बर्बादी एक विडंबना है विराम। भोजन की बर्बादी भी भारतीय पीछे नहीं है विराम। संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम की रिपोर्ट के अनुसार 50 किलो
खाने की बर्बादी हो रही है, विराम।